एक समय की बात है, दो महान दैत्य हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पूरे संसार में आतंक मचाए हुए थे। वे दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे और धरती पर होने वाले यज्ञ आदि से देवताओं को बल न मिले, इसलिए वे धरती को समुद्र में डुबा दिए। अतः धरती की रक्षा हेतु भगवान ने वराह अवतार लेकर धरती को बचाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यह समाचार सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और भगवान विष्णु को चुनौती देने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है, जिससे वो अमरता का वरदान प्राप्त कर सके। इसी बीच उनका पुत्र प्रहलाद भी बड़ा हो जाता है और प्रहलाद के गुरु शंड और अमर प्रहलाद को लेकर राजा हिरण्यकशिपु के पास राजमहल आते हैं। अब देखते हैं हिरण्यकशिपु की जय हो। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र प्रहलाद आओ, तुम्हें देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। और मेरे समीप आओ और बताओ, तुम्हारे गुरुओं ने गुरुकुल में तुम्हें क्या शिक्षा दी? पिताश्री, गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु हमारे शत्रु हैं और आप हमारे परम भगवान हैं। परंतु पिताश्री, यह कैसे संभव है? भगवान तो श्री हरि विष्णु ही है। श्री हरि, उनसे ही सारी सृष्टि का उद्गम हुआ है। वे ही सभी जीवों के जीवनदाता हैं एवं वे ही हमारे पालक एवं रक्षक हैं। पिताश्री, विष्णु भगवान और रक्षक? नहीं, ये क्या कह रहे हो प्रहलाद तुम? विष्णु तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु है और तुम्हारा भी लगता है? निश्चित ही गुरुकुल में तुम्हें कोई गलत ज्ञान दे रहा है महाराज। तुम्हारी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी रह रही है प्रहलाद। शांत अमर। महाराज, ये प्रहलाद क्या बोल रहा है? विष्णु भगवान है? इसकी शिक्षा दीक्षा में क्या कमी रह रही है? पता लगाओ कौन इसे मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। और याद रखना, दोबारा ऐसा ना होने पाए, वरना प्रहलाद के साथ साथ मैं तुम दोनों को भी मृत्यु दंड दूंगा। समझ गए? महाराज, हमें क्षमा कर दो महाराज, लेकिन ये विष कहां से उगल आया है हमें तो पता ही नहीं। हमने तो ये शिक्षा ऐसे नहीं दी थी। लेकिन महाराज, आप चिंता ना करें, हम इसे ऐसी शिक्षा देंगे कि आज तक किसी ने इसे सिखाया नहीं होगा। कृपया महाराज, हमें एक और मौका दीजिए महाराज, एक और मौका। एक मौका और मैं दे रहा हूं तुम्हें, दोबारा ऐसा ना होने पाए। नहीं होगा महाराज, नहीं जाओ इसे। चलो राजा हिरण्यकशिपु की आज्ञा अनुसार शंड और अमर प्रहलाद को आसुरी प्रशिक्षण के लिए पुनः गुरुकुल लेकर जाते हैं। अरे प्रहलाद, तुमने तो हमें मरवा ही दिया था और ये शिक्षा तो हमने नहीं दी थी। आज सच सच बताओ, किसने ये शिक्षा दी है? सच सच बताओ। यह तो भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा है। यह सब तो मुझे
पहले से ही जान था। प्रहलाद, विष्णु का नाम दोबारा कहीं मत लेना, वो हमारा शत्रु है। अब सब हम आज तुम्हें राजनीति की शिक्षा देंगे, इससे तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हारा शत्रु कौन है और मित्र कौन है। झूठ बोलना, धोखा देना, हत्या करना और मदिरापान, यही आसुरों का आभूषण होता है। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु विष्णु है तथा हमारा आराध्य हिरण्यकशिपु है तथा हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु भगवान की जय। मित्रों, यहीं बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। देखिए, हमें यज्ञात होना अति आवश्यक है कि हम सब भगवान का अंश है, हमारे भगवान पिता समान है। इस प्रकार हम में और भगवान में एक संबंध है, तो हम और भगवान शत्रु नहीं हो सकते। हम उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं। अंश का कर्तव्य है कि वह पूर्ण की सेवा करे, उनकी आराधना करे। इसी प्रकार हमें भी उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुत्र प्रहलाद, आज हम तुम्हें तुम्हारे पिता महाराज हिरण्यकशिपु के पास ले जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि तुमने आचरण विद्या में कितनी प्रगति की। आ जाओ पुत्र प्रहलाद, आ जाओ। हेलो, आसुरी शिक्षा देने के पश्चात शंड और अमर प्रहलाद को पुनः राजा हिरण्यकशिपु के समक्ष उपस्थित करते हैं। शिक्षा आपके पुत्र को प्रदान की है और उसने जो ग्रहण किया है, कि हम चाहते हैं कि वो आपके सामने स्वयं प्रस्तुत करें। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने यथोचित शिक्षा ही प्रहलाद को दी होगी। कहाँ है मेरा पुत्र प्रहलाद? प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव पुत्र, दीर्घायु भव। आओ मेरे समीप आओ। अब तक तो तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें समस्त आसुरी शिक्षा दी होगी और आशा करता हूं कि तुमने उसे ग्रहण भी कर लिया होगा। आखिर तुम मेरे पुत्र जो हो, कहो बताओ मुझे कि तुम्हारे को जो भी सबसे श्रेष्ठ शिक्षा लगी वह मुझे शीघ्र बताओ प्रहलाद। श्रवणम कीर्तनम विष्णु मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पिताश्री, इसे नवदा भक्ति कहते हैं। जिस व्यक्ति ने इस नवदा भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण की सेवा की है और अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित किया है, वह धन्य व्यक्ति कहलाता है। उसे परम ज्ञानी व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान अर्जित किया है। पिताश्री, शांत अमर महाराज, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर इस अबोध बालक प्रहलाद को
भक्ति का पाठ पढ़ाया है। इसे इसके मन में भक्ति का ज्ञान बोलने की हिम्मत कैसे हो तुम लोगों की? महाराज हमें क्षमा कर दे महाराज, किंतु सच में हमें ये ज्ञात नहीं कि ये कहां से सीखा है। हमने तो इसे ऐसी ज्ञान नहीं दी, इसने स्वयं ही ये ज्ञान कहीं से प्राप्त किया होगा। प्रहलाद प्रहलाद मेरे पुत्र, मुझे सच सच बताओ, प्रहलाद मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे मति कौन भ्रष्ट कर रहा है? कौन तुम्हें यह सत्य बातें सिखा रहा है? प्रहलाद मुझे सच सच बताओ। पिताजी यह सारी बातें सत्य हैं, इसमें असत्य का अंश मात्र भी नहीं है। पिताश्री मैं यह जानता हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु हमारे रक्षक हैं। मूर्ख बालक, तू मेरे राज्य पर गलत है, विष्णु सृजन करता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूं विष्णु नहीं। तूने अब सारी सीमाएं लांघ दी है प्रहलाद, अब तुझे मैं अवश्य दंड दूंगा। सैनिको सैनिको सैनिको, इस प्रहलाद ने मेरा घोर शत्रु है, इसने विष्णु का भक्त है और मेरा घोर शत्रु बन चुका है। जिस प्रकार शरीर का अंग उसे कष्ट देता है तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए, फेंक देना चाहिए उसे काट कर। इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, इसे मौत के घाट उतार दो, और जो कोई भी मुझे इसकी मृत्यु का समाचार सर्वप्रथम सुनाएगा, मैं उसे आज तक का सबसे बड़ा पारितोषिक दूंगा। ले जाओ उसे। चलो इसे पांच राजा हिरण्यकश्यपु के आदेशानुसार प्रहलाद को विभिन्न प्रकार की कठोर यातनाएं दी गई, किंतु विष्णु जी की असीम कृपा के कारण प्रहलाद सुरक्षित रहे और सैनिक लज्जित। अब सैनिक प्रहलाद को अपने साथ वापस लेकर हिरण्यकश्यपु के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आइए देखते हैं कि अब हिरण्यकश्यपु क्या करता है। महाराज की जय हो। दुष्टो, तुम सब मिलकर भी इस तुच्छ प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्या हो गया है तुम लोगों को? क्षमा करें महाराज, हमने उसे मारने की बहुत कोशिश की महाराज, पर पता नहीं कौन सी अज्ञात शक्ति उसकी रक्षा कर रही है महाराज। महाराज हमने उसे भालों से मारा, सांपों से भी डसवाया,
यहाँ तक कि महाराज पहाड़ों की चोटी से भी फेंका उसे, पर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए महाराज, हम बहुत तक जीत है महाराज। पिताश्री नहीं, मैं तेरा पिता नहीं, वो विष्णु होगा। जी पिताश्री, वे तो सबके पिता हैं, क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं और वे सबके रक्षक हैं। तू बहुत दंड हो गया है, तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। रुक, मैं तुझे अभी यमपुरी पहुंचा देता हूं। अब बोल बालक, किसके बल पर तू इतना धन कर रहा है, बोल। उसके बल पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी बल वही प्रदान करते हैं, ना केवल आपको मुझको, बल्कि इस समस्त संसार के सभी बलवानों का बल वही एकमात्र श्री हरि विष्णु ही है। पिताश्री, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पिताश्री आप अपना क्रोध त्याग दें और विष्णु की शरण में आए। वे अत्यंत दयालु हैं पिताश्री, वे आपको माफ करेंगे। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जीवा, अरे अभी तो तू मेरे खड़क के बराबर भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप एक बार फिर से भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कह रहे हैं वह मेरी आयु नहीं, मेरे शरीर की आयु है। मैं इस शरीर में आत्मा रूप में वास करता हूँ पिताश्री, जिसकी आयु अनंत है। आत्मा नित्य है, पर वो भी अंतिम सत्य नहीं। आत्मा तो परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है पिताश्री। इस दृष्टि से जो आप में है वही मुझ में है पिताश्री, जो आप में भगवान विद्यमान है वही मुझ में भगवान विद्यमान है, वही इस संसार के कण कण में विद्यमान है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे शरीर नहीं दिखते पिताश्री, उन्हें केवल परमात्मा दिखते हैं पिताश्री। अच्छा, और कहां कहां दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? पिताश्री, मुझे आकाश में दिखते हैं, मुझे धरती में दिखते हैं, मुझे हवा में दिखते हैं, मुझे आप में भी दिखते हैं, मुझ में दिखते हैं, साधु संतों में दिखते हैं और इन दैत्यों में भी दिखते हैं पिताश्री। अच्छा, तुझे इस महल में भी दिखता है तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, मुझे इस महल के कण कण में वे दिख रहे हैं। अच्छा, तो इस महल में भी दिख रहा होगा तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, मैं उन्हें देख सकता हूँ। अच्छा, तो इस खंभे में भी दिखता होगा तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, मैं उसे इन खंभे में भी देख सकता हूँ। अच्छा, तो याद कर ले अपने परमात्मा को। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
इस प्रकार प्रहलाद के चरित्र से हम सीख सकते हैं कि भक्तों के जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वे तो सदैव भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ही आश्रय लेते हैं। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस सुंदर ड्रामा के किरदारों के पास। तो इस ड्रामा में नरसिंह देव का किरदार निभाया है विशाल प्रभु ने, प्रहलाद महाराज का किरदार निभाया है श्रीकांत प्रभु, हिरण्यकश्यपु बने अर्जुन प्रभु, शंड और अमर पंकज प्रभु और नीलेश प्रभु, सैनिक बने हैं दीपक प्रभु और सोमराज प्रभु, गुरुकुल के विद्यार्थी बने हैं इस ग्रेस मानवत प्रभु और इस ग्रेस पाणी प्रभु, बैकग्राउंड म्यूजिक में दिया है यहाँ पर रजत प्रभु है, कैमरा और बैक एंड टीम जो है के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे हम अजय प्रभु का, अमित प्रभु का और सुग्रीव राम प्रभु का, और इस सुंदर ड्रामा को निर्देशित किया गया है हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी के द्वारा। और मैं आपका अनुत्तम तत्वदास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।